हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के एक ऐसे महान बुद्धिजीवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने ज्ञान के दम पर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही ढालना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त यानी उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दिशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। वे स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास गए। पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालात की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौहें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पी गए। गुरुदेव के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरुदेव के शरीर और उनके दिव्यात्मक आदर्शों को उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के आध्यात्मिक खजाने की महक फैल सके, इसके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी। ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनंत निष्ठा 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय प्राचीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति का प्रदान करते रहे। आत्मविद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देश त्याग दिया। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।